दिस न्यूज ब्रॉट टू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। भारतीय किसान संघ जिला मंडी द्वारा अपनी मांगों को लेकर पड्डल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक धरना प्रदर्शन किया और डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने कहा कि किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के मूल्य को हमेशा नियंत्रित रखा गया जिससे स्वतंत्र बाजार व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने पर भी मंडियों में किसानों की उपज उससे कम मूल्य में बिकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु मुख्य विषय किसानों में अशांति का कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करता है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाए और 10 दिन के अंदर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में किसान खेतों से हटकर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सोमदेव शर्मा, भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष। आज 8 सितंबर को सभी देशभर में सभी जिलों पे आज एक धरना प्रदर्शन का कार्य आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा है कि किसानों को लाभ का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है वो कुछ फसलों तक है और कुछ राज्यों तक सीमित है। इसको एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे सरकार और उसके नीचे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो। अगर कोई ट्रेडिंग करता है, मान लो एपीएमसी है या आपकी निजी व्यवस्था है या सरकारी व्यवस्था है, उसके नीचे कहीं ट्रेडिंग होती है उसे दंडनीय अपराध माना जाए। तो दंडनीय, क्योंकि आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल देश भर में 9.5% खरीद होती है। 86% जो है हमारा, 86% जो किसान है वो छोटा किसान है, छोटी उसकी जोत है, उसको कोई लाभ नहीं अब मिल रहा है, वो रीढ़ की हड्डी है, तभी वो भाग रहा है, तभी वो बेरोजगार है। उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको खेती को संभालने की जरूरत है और खेती के अंदर देने की जरूरत है। तो दो तरह की व्यवस्था बनती है, एक तो किसान को आय कहाँ से आए, आय तब आएगी जब उसको कहीं न कहीं गारंटी मिलेगी कि इतना जो मेरी उपज है, मेरी ये जो उपज है इतने में बिकेगी और इससे नीचे नहीं बिकेगी तो विश्वास के साथ खेती करेगा। ये पहला विषय। दूसरी बात यह है कि आय को लागत को संस्थानों को चाहिए, सरकारों को चाहिए, विभागों को चाहिए कि जो कृषि की आय है, लागत मूल्य लागत है, उसको कम करे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डाउन करे। ऐसी टेक्नोलॉजी आज उसको चाहिए। इसके साथ ही बात आती है कि तीनों कानूनों को भारत सरकार ने जो 5 जून को अध्यादेश के द्रुत लाए थे और 20 सितंबर को जो कानून बनाए थे उसको लागू करे संशोधनों के साथ। इसी संदर्भ में भारतीय किसान संघ ने देश भर से 25,000 ग्राम समितियों से 8 अगस्त 2020 को सभी को ज्ञापन दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी को। उसी के संदर्भ में हमें कह रहे हैं कि उन चारों तीनों कानूनों में संशोधन करें। एक कृषि न्यायालय हर जिला पे होना चाहिए ताकि छोटी छोटी जो समस्याएं किसानों की उनसे निजात मिले। और दूसरी बात यह है कि उसमें पंजीकरण होना चाहिए व्यापारी का, बैंक की गारंटी होनी चाहिए, किसान की परिभाषा दुरुस्त होनी चाहिए और साथ में ही आपको ईसीए के जो है तर्क संगत बनाना चाहिए। और हमारा मानना है कि तीनों व्यवस्थाएं खड़ी रहनी चाहिए बेचने के लिए, मंडी के अंदर भी जैसे एपीएमसी है, मंडी के बाहर निजी व्यवस्था, प्राइवेट ट्रेडिंग भी होनी चाहिए और साथ में सरकारी भी होनी चाहिए, ई ट्रेडिंग भी होनी चाहिए, लेकिन उसके नीचे बेचने की दंडनीय अपराध होना चाहिए। ये हमारा भारतीय किसान संघ उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। आज हमने जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया जिसमें जो भारत सरकार कृषि के लिए 3 कानून लेके आई है, हम चाहते हैं कि उन तीनों कानूनों में कुछ संशोधन करके भारत सरकार पूरे देश में उनको लागू करे। हमारी जो डिमांड है वो लागत मूल्य पे है। जो किसान अन्न पैदा करता है, कोई भी फल पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, उसकी लागत निकाल के उसके ऊपर एक प्राइस भारत सरकार डिसाइड करे, ये भारतीय किसान संघ की डिमांड है। दूसरा, जो कानून में कुछ कमियां हैं, हम चाहते हैं कि हर जिला के अंदर एक किसानों का एक न्यायालय हो जिसमें जो किसानों की समस्या हैं वो उसी न्यायालय के अंतर्गत सारी हल हो जाएँ। और जो किसान आज खेती छोड़ रहे हैं, अगर भारत सरकार इन कानूनों में संशोधन कर देती है तो आने वाले जो अगले हमारे बच्चे हैं वो खेती की तरफ जाएंगे, उनको पता लगेगा, मालूम होगा कि इस खेती को करने से के बाद
हमें जो मार्केट में प्राइस मिलेगा उसे हमारा बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज क्या है आने वाले टाइम में हमारे बच्चे खेती नहीं करेंगे। दूसरा जो है जो हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।